लालकुआ नगर में भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में महर्षि वाल्मीकि की विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। बताते चले कि शुक्रवार को वीआईपी गेट स्थित वाल्मीकि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद शाम 4 बजे भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि लालकुआ नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष पवन चौहान ने किया। उन्होंने समाज के लोगों को वाल्मीकि जयंती की बधाई देते हुए भगवान वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश भी डाला है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि की विभिन्न झांकियों के साथ शिव पार्वती, भारत माता, लवकुश, राधा कृष्ण, साधुओं और झांकियों ने नगर का भ्रमण किया। वीआईपी गेट स्थित वाल्मीकि मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा मुख्य बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, रेलवे स्टेशन, मस्तान पंप से होते हुए वापस मंदिर परिसर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए लोग आगे बढ़े। नगर क्षेत्र में जगह जगह क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उत्तराखंड से स्ट्रीट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू की रिपोर्ट। का उद्देश्य कुछ नहीं, वाल्मीकि जी ने इस देश को एक राह दिखाई। भगवान श्री राम जो हमारे आदर्श हैं, उनकी रामायण को उनके जन्म से यहाँ अवतरित होने से पहले लिख दिया हो कि इसलिए वो भगवान वाल्मीकि हैं। भगवान वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। रामायण हमारा जीवन है, रामायण हमारा आदर्श है, भगवान राम हमारे आदर्श हैं। वाल्मीकि जी तो बहुत बड़े हैं, हम उनको नमन करते हैं। आज शोभा यात्रा निकालने का मतलब ये है कि शोभा यात्रा से हम वाल्मीकि जी को याद करें, वाल्मीकि जी के बताए संदेशों को याद करें, हम उनकी तपस्या को याद करें। उनके त्याग और तपस्या के साथ साथ उन्होंने किस तरह सीता माता की सेवा की थी, उन सबको याद करें। इसलिए शोभा यात्रा का एक भव्य शोभा यात्रा आज निकली है, उसमें सबका एक अच्छा संदेश जा रहा है। वाल्मीकि जी को हम नमन करते हैं और वाल्मीकि जी हमारे वास्तव में भगवान हैं।